हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड क्रियाशील समूह। इसे क्रियाशील समूह या मूलक भी कहते हैं। ये नंबर 3 में है, ठीक है। इसके पहले हम लोग एल्कोहल और ईथर के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा या प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उसमें साइंस का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सामान्य इसका जो है सूत्र क्या होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है एल्डिहाइड का? तो एल्डिहाइड का सूत्र जो है CHO होता है यहां पर, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको याद रखना है CnH2n+1 और उसके बाद CHO लगा देना है, हो गया। ये सूत्र हो गया आपका एल्डिहाइड का। एक और सूत्र होता है, आप लोग लिख सकते हैं इसे, या में CnH2n। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये जो है फॉर्मूला समझ गए होंगे। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पर देखिए CH, यहां पर C है, H है, इसमें CH है, CnH2n है, इसमें भी CnH2n और यहां पर भी CHO है। तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, आप लोग को बनाकर बताएंगे, आप लोग समझ जाएंगे। तो इसमें जो होता है साधारण नाम के लिए, जिसे आप लोगों को पहले से पता होगा कि इसे एक साधारण नाम लिखा जाता है और एक लिखा जाता है IUPAC नाम, ठीक है। साधारण नाम लिखने के लिए इनके ऑक्सीजन परमाणु के कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर इसका जो नाम है लिखा जाता है। जिसे आप लोगों को यहां पर हम बता देते हैं, साधारण नाम इनके ऑक्सीजन परमाणु के कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मीथेन हो गया। मीथेन से फार्मिक अम्ल के आधार पर, क्या हो जाएगा? फार्मा एल्डिहाइड, ठीक है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इथेन से एसिटिक अम्ल के आधार पर, क्या हो जाएगा? एसिटाएल्डिहाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं साधारण नाम। अब IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहां पर IUPAC नाम लिखने के लिए, एल्केन समूह से ई को हटाकर AL जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मीथेन से ई को हटाया, मीथेन से क्या हो गया?
जब मीथेन से ई को हटाकर हम क्या लगा देंगे ए एल, तो क्या बनेगा, मीथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बन गया मीथेनॉल, मीथेनॉल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका नाम आईपीएसी नाम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इथेन होगा तो इथेनॉल हो गया, इथेन से इथेनॉल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इथेन होगा, इथेन से क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका आईपीएसी नाम लिख देते हैं। तो चलिए संरचना सूत्र देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, मिथेनॉल हो गया, फिर यहां पर जैसे एसीटा एल्डिहाइड है, प्रोपीना एल्डिहाइड है, तो देखिए एसीटा एल्डिहाइड है तो हमने पहले बताया है यहां पर, तो क्या हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल होगा। ठीक है, फिर ये प्रोपाइना है तो यहां पर हो जाएगा प्रोपेनॉल, इस प्रकार से। ठीक है, बाकी के आप लोग लिख सकते हैं, तीन यहां पर बताकर मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अब अणु सूत्र लिखना है मीथेनॉल का, तो जैसे CHO है तो यहां पर मीथेनॉल का हो जाता है HCHO। ठीक है, अगर इसका दूसरा सूत्र पर हम इसको जब डालेंगे तो यहां पर N का जो मान है 1 रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा CH1 रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 और यहां पर हो जाएगा O। अब यहां पर थोड़ा मिला लेते हैं जैसे सूत्र के अनुसार है कि नहीं है। देखिए ये आपको सूत्र के अनुसार नहीं मिलेगा क्योंकि ये मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए CH यहां भी है और यहां भी है तो कहां से मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको इस चीज को समझ गए होंगे। और जैसे दूसरा में जिसे हम लिख रहे हैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा, यहां पर 1 रखेंगे तो यहां पर 2 रखेंगे। ठीक है, शुरू वाला सूत्र में 1 रखेंगे तो यहां 2 रखेंगे, क्योंकि यहां पर डबल जो है यहां पर सीधा CH यहां भी है, CH यहां भी है, बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूं। तो यहां पर देखिए यहां पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C1 रखेंगे तो 1 तो लिखा नहीं जाता है तो हो जाएगा H, यहां पर देखिए 2N यानी कि 2 हो जाएगा, अब प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और फिर है CHO तो यहां पर CHO। ठीक है, अब इसका जो सूत्र है यहां पर हम या लिखकर लिख सकते हैं दूसरा का सूत्र। अब यहां पर जब हम लिखेंगे इस सूत्र को तो यहां पर क्या रखेंगे, 1 रखा है तो यहां पर क्या लिखेंगे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा C2H, 2 रखेंगे तो 2 × 4। ठीक है, तो C2H क्या हो जाएगा 4 और यहां पर हो जाएगा O। थोड़ा सा मिला लीजिए, एच कितना है 4 को है तो एच यहां पर 3 है और यहां पर 1 4 हो गया, C1 और 1 2 C2 हो गया और O1 है। ठीक है, आप लोग अब समझ गए होंगे। अब इसका जो सूत्र है आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर जब हम 3 रखेंगे तो यहां पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा C2H5 हो जाएगा, आप लोग समझ रहे हैं। जब यहां पर हम 2 रखेंगे तो 2 × 4 = 5 हो जाएगा और फिर लगा देना है CHO। अब या यहां पर हो जाएगा C3 और H क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर 2 है तो 4 है तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 है तो क्या हो जाएगा 6 और उसके बाद O। ठीक है, इसको भी मिला लीजिए, H5 हो गया, एक यहां पर 6 हो गया, CC यहां पर 2 है, यहां पर 1 है तो 3 हो गया और O है। ठीक है, अब इसका जो संरचना सूत्र बनेगा वो कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। H सिंगल बॉन्ड में होता है तो हम यहां H पहले लिख देंगे, फिर C हो गया। अब यहां पर देखिए यहां पर जो O है वो डबल बॉन्ड में होता है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको यहां पर दे देते हैं और ये जो H है एक बचा H को इधर लगा देते हैं। अब देखिए C के चारों ओर 4 संजक्ता आ गया, H का सिंगल आ गया, O का डबल आ गया, H का सिंगल आ गया, हो गया इसका इस प्रकार से संरचना बन जाता है। अब देखिए इसका बनाना है तो देखिए कैसे होगा, सी अब H3 है तो आराम से इसको ऐसे लिख सकते हैं, हो गया। फिर कह रहे CHO तो देखिए C यहां पर डालेंगे, डबल यहां पर O आ गया और एक H तो है इधर लगा देंगे, हो गया मिला लेते हैं। देखिए CH3 हो गया,
फिर सी एच और ओ हो गया। फिर इसका संरचना कैसे बनाएंगे देखिए, ध्यान दीजिए, सी सी डबल है तो यहां पर देखिए इस प्रकार से हम बना देंगे, हो गया सी टू एच फाइव। फिर है सी ओ डबल बॉन्ड में होता है तो ओ ऐसे लगा देंगे, एच यहां पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी बना लेंगे, तो बाकी के आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, जय हिंद।